गुड मॉर्निंग टू क्लास फोर्थ स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम आपको मैंने पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर में ये चैप्टर पूरा कंप्लीट करवा दिया था, जो मेन मेन पार्ट्स है कंप्यूटर के, डीवीडी, पेन ड्राइव, यूपीएस, प्रिंटर, स्कैनर, स्पीकर एंड हेडफोन्स, इस बारे में मैंने आपको पूरा बता दिया था। आई होप आपने सबने ये रिकॉल टाइम्स पूरा का पूरा कंप्लीट, और एक्सरसाइज टाइम आपको मैंने बताया था, ये पेन ड्राइव इज नॉन एज ए फ्लैश ड्राइव। फ्लैश ड्राइव किसको बोलते हैं? पेन ड्राइव को। एंड हेडफोन आर यूज टू लिसन म्यूजिक विदाउट डिस्टर्बिंग अदर्स। जब हेडफोन लगाते हैं तो बिना किसी डिस्टर्बेंस के अदर नहीं सुन सकते, सिर्फ वही पर्सन सुन सकता है जो जिसने हेडफोन लगाया। तीसरा, दी फिल इन द ब्लैंक्स इज नॉन एज वीडीयू। वीडीयू किससे बोलते हैं? मॉनिटर को वीडीयू बोला जाता है। ऑल्सो नॉन एज ए ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, बहुत ईजी है, दी सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। फिल इन द ब्लैंक्स, दी यूपीएस कीप्स द कंप्यूटर ऑन फॉर सम टाइम्स इवन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है उसके बाद भी क्या कंप्यूटर चलता है? किससे चलता है? ये यूपीएस से चलता है। दी प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड हार्ड कॉपी। ए पेन ड्राइव स्टोर्स मोर डाटा देन ए सी डी एंड डीवीडी। सी डी और डीवीडी से ज़्यादा पेन ड्राइव में डाटा को स्टोर किया जाता है। दी माइक्रोफोन इज यूज टू रिकॉर्ड अवर वॉइस। अब ट्रू और फॉल्स, दी कीबोर्ड हेल्प्स अस टू ड्रॉ पिक्चर्स एंड प्ले गेम्स। फॉल्स, ए डीवीडी स्टोर मोर इंफॉर्मेशन देन ए सीडी। ट्रू, ए मॉनिटर लुक्स लाइक ए टीवी स्क्रीन। ट्रू, ओनली द पर्सन हु वियर्स द हेडफोन कैन हियर द साउंड स्टोर्ड इन द कंप्यूटर। ट्रू। अब ये फुल फॉर्म है, ये सब इम्पोर्टेंट है। आपको अगर इसमें से कुछ राइटिंग सही ढंग से समझ नहीं आ रही तो आप पीछे आराम सब के अंदर ये फुल फॉर्म अच्छे से लिखा हुआ है। विजुअल डिस्प्ले यूनिट, सीपीयू मतलब सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एमयू मतलब मेमोरी यूनिट, अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, कॉम्पैक्ट डिस्क सीडी मतलब डीवीडी मतलब डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, ये रहा डीवीडी का फुल फॉर्म। आज हम अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन को पहले करने से पहले इसको समझने की आवश्यकता होती है। व्हाट इज द यूज ऑफ यूपीएस? यूपीएस क्या होता है? जब इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ मतलब जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है, एकदम लाइट चली जाती है, तब किससे चलता है वो? जस्ट लाइक ए इन्वर्टर, कंप्यूटर का जो इन्वर्टर होता है उसको यूपीएस बोलते हैं। अब इसका क्या यूज है? इसका आंसर पेज नंबर आप 14 पे जाओ, पेज नंबर 14, जस्ट पेज नंबर देखेंगे 18 16 14 14 पे जाएंगे, आपको यहाँ से लगा के यहाँ तक ये इसका लिखना है, और साथ में डायग्राम भी बनाना। मैं बहुत से बच्चों की कॉपियाँ चेक कर रहा हूँ, डायग्राम नहीं बन रहे, और जो बच्चे डायग्राम बना रहे हैं वो पेन से बना रहे हैं। सबको काइंडली रिक्वेस्ट टू ड्रॉ पिक्चर ओनली ऑन यूज ऑफ पेंसिल, पेंसिल का ही यूज करके आपको डायग्राम बनाना है। यूपीएस स्टैंड फॉर अनइंटरप्रेटेड पावर सप्लाई, ये इसका फुल फॉर्म भी है, आपको याद करना है। इट कीप्स एट द कंप्यूटर ऑन फॉर द सम टाइम इवन आफ्टर इलेक्ट्रिसिटी गोज ऑफ। जब इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है या बंद हो जाती है उसके बाद भी कंप्यूटर कुछ समय के लिए चलता है, ऐसा नहीं कि लगातार चलता रहता है, वो डिपेंड करता है कि आपके यूपीएस की क्या कैपेसिटी है। जैसे घर पे इन्वर्टर होता है ना, इन्वर्टर की क्या बैटरी के ऊपर डिपेंड करता है, वैसे ही यूपीएस की कैपेसिटी के ऊपर ये डिपेंड करता है। इट गिव्स अस टाइम टू फिनिश एंड सेव अवर वर्क ऑन ए कंप्यूटर, और ये अपना काम को फिनिश करने के लिए टाइम मिल जाता है और अपने काम को जल्दी से जल्दी सेव कर सकते हैं, ताकि वापस अपने को मेहनत नहीं करनी पड़े। पहला नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड है डिफाइंड हार्ड कॉपी, हार्ड कॉपी क्या होता है?
सॉफ्ट कॉपी जो कंप्यूटर के अंदर दिखती है, हार्ड कॉपी जिसका प्रिंट निकाला जा सकता है। इसका आंसर भी पेज नंबर 14 पे है। पेज नंबर 14 पे जाएंगे वापस से। इसमें आपको सिंपल यहाँ से लिखना है दी प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर, दी प्रिंटेड कॉपी ऑन पेपर इज कॉल्ड द प्रिंट आउट और या हार्ड कॉपी। आपको इसका ये डायग्राम भी बनाना है। प्रिंटर से ही ये पेपर प्रिंट किया जाता है, जो प्रिंटेड कॉपी होता है उसको पेपर पे लिया जाता है तो इसको प्रिंट आउट या हार्ड कॉपी बोला जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द यूज ऑफ स्कैनर, स्कैनर का क्या यूज होता है। हार्ड कॉपी का हमने पढ़ा, अब स्कैनर का, जिसे कंप्यूटर के अंदर हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। पेज नंबर 15, 15 नंबर पेज पे जाएंगे। ये रहा पेज नंबर 15। आपको भी ब्रैकेट में लिखना है हार्ड कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी, यहाँ से लगा के आंसर 3, यहाँ तक आपका छोटा ही आंसर है, आंसर 3। स्कैनर क्या होता है, ए स्कैनर इज यूज टू कॉपी टेक्स्ट एंड पिक्चर फ्रॉम पेपर टू द कंप्यूटर। और ये इस तरह की मशीन होती है, ये पूरा कांच का होता है और इसके अंदर पेपर आप डालते हो और उसके बाद स्कैन का स्विच दबाएंगे तो वो कंप्यूटर के अंदर आपके वैसे का वैसे स्कैन हो जाएगा, आपकी कॉपी उसके अंदर प्रिंट हो जाएगी। जैसे कि मोबाइल के अंदर कैमरे से फ़ोटो खींचते हैं ना, सेम वैसे का वैसे इसके अंदर भी स्कैन होता है, पूरा A1 to 1 वर्ड इसके अंदर स्कैन होता है। आपको यहाँ से यहाँ तक सभी बच्चों को करना है और साथ में ये डायग्राम भी पेंसिल से बनाना है। विदाउट डायग्राम अगर आपने ओनली टेक्स्ट किया तो आपके 50% मार्क्स ही आएंगे, पूरे मार्क्स मैं नहीं दूंगा क्योंकि कंप्यूटर के अंदर डायग्राम के ऊपर ही पूरा डिपेंड होता है। समझ में आया सबको? अब है एक्सप्लेन द 3 पार्ट्स ऑफ CPU। ये नेम द 3 पार्ट्स ऑफ CPU है, यहाँ नेम को काट देना है आपको, सबको नेम की जगह आपको लिखना है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन द पेज 3 पार्ट्स ऑफ CPU। इसमें पेज नंबर आप जाओगे 13 पे और यहाँ पे आपको एक्सप्लेन लिखना है, एक्सप्लेन, एक्सप्लेन दी 3 पार्ट्स ऑफ CPU। पेज नंबर 13 पे जाएंगे। अब यहाँ से लगा के ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है, सबसे छोटा था जिसको सबसे बड़ा कर लिया है। CPU स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये आपको यहाँ से लिखना है आंसर, फॉर और इसको पूरा आपको यहाँ तक लिखना है। इट्स हेल्प द कंप्यूटर टू थिंक एंड डज ऑल द कैलकुलेशन, सो इट इज़ नॉन एज ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये सभी तरह की कैलकुलेशन वो इजीली कर लेता है। दी CPU इज ऑलवेज केप्ट इनसाइड ए बॉक्स, और एक बॉक्स बना हुआ होता है, ये डायग्राम भी बनाना है आपको, है ना, डायग्राम ऑल्सो बनाना। दी CPU इज ऑलवेज केप्ट इनसाइड ए बॉक्स, इस बॉक्स के अंदर ये CPU होता है, ये ब्रेन होता है कंप्यूटर। दिस बॉक्स इज नॉन एज CPU बॉक्स, इट हैज 3 पार्ट्स, ALU जिसकी फुल फॉर्म हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड नहीं भी लगाओ तब भी चलेगा, CU कंट्रोल यूनिट, MU मतलब मेमोरी यूनिट। आपको ये तीनों पॉइंट लिखने हैं विद डायग्राम, ये अच्छे से डायग्राम आपको बनाना है। अगर आपके पास कलर है तो ये आपको ब्लू कलर भी आप कर सकते हो। इस तरह ये आपके होमवर्क में ये चारों क्वेश्चन आपको
करना है। पेज नंबर मैंने लिख लिया है और सभी पेज नंबर पे निशान है, और जिसको नहीं समझ में आए वो वीडियो के अंदर देखिए, इसके अंदर क्लियर, या नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट चैप्टर मैं पढ़ाऊँगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।